और दिल्ली आलाबाशा डूंगी डाबर के बीच में पहुंच जाता है। ले का सात कसूनी दल परवाना लिखा, परवाने के ऊपर क्या लिखा कि गुगे महाराज जो दुनिया में जीना चाहा, सुरजन सुरजन को अपनी कलम से अपने हाथों से ये बाग देश का अराज और पाट इनके हवाला कर दे। अब गुगा महाराज पड़ता परवाने को गुस्से में भर गया, जिस समय गुस्सा आ जाता है गुगा महाराज नौ महले के बीच में माता बाचल के पास पहुंचता है। क्या तो गुगा महाराज कहा, क्या माता बाचल सुना, क्या बोलती है माता बाचल? हाँ जी सुकर मेरे माले पे तेरी तेरी मैं बाली दार Yeah.
सुना जाता है कि किसने दिल्ली वाले बादशाह ने इसका परवाना दुगे महाराज के पास जिसने पहुंचाया। दुगा महाराज पर का परवाना महल के बीच में अपनी मां के पास पहुंच गया। हे मां, सुरजन सुरजन ने मेरे भाइयों ने मेरे परियो परियल सारे अब वो माता बासल दुगे महाराज को कहती है कि बेटा, मैं दिल्ली वाले बादशाह नु अपने बाप दिल्ली में वापस भेज दूंगी। कैसे भेजती है? और उसको कहती है कि अपने नाना का चला जा भाई कह। अच्छा जी, महाराज अपनी मां की आज्ञा लेकर नीले घोड़े का सवार हो गया। पांचों कपड़े, पांचों हथियार, जल डब्बा तलवार का रुद्राशी कंठा गले के बीच में कर जाते हैं। जो पीर बागड़वाला नीले घोड़े को छेड़ता है, चलते चलते समा रस्ते के बीच में कौन मिल जाती है? वो कल सो धाम आई। कैसे मिलती है? भाई, वो खून की प्यासी थी, क्योंकि जिसने खून कभी अर्जुन के वक्त में मिला था उससे पहले खून नहीं मिला था। जय हो। अरे क्या तो कल सो धाम आई कहती है, और क्या गुगा महाराज सुनता है भाई पर, आहो ले सुकर मेरे ओ माल दे तेरी तेरी मैं बाली दा हो रहे जोड़ी का।
महाराज को रास्ते में काली कलकत्याली मिल जाती है। 80-70 साल की उम्र में बुढ़िया बन गई। वो खप्पर जो था उसका टोकरा बना लिया। कैसे बना लिया भाई साहब? नया का खप्पर का टोकरा, मुंडियां जो थी उनके गुहे बना लिए। कहते हैं कि बेटा जाने वाले मेरे को टोकरा ठुआ, अब दुर्गा महाराज टोकरा समझ दी हुई हूं। दोनों हाथ टोकरे का लगा लिए, जो भी ताकत दुर्गे महाराज में थी सारी टोकरे का लगाए। दुर्गे महाराज के पास टोकरा नहीं उठा। पीर साहब गुस्से में भर जाते हैं, लह कहन के बुढ़िया, ए बुढ़िया ये टोकरा आके कोई तफान है? भाई क्यों तफान था वो, सुन ले अभी बात है। उसमें 3 तरलोक की शक्ति। कैसी शक्ति थी भाई साहब? वो 3 तरलोक की शक्ति भाई कल सोधा ने टोकरे में हाजिर करी हुई थी। जय हो। गुगा महाराज गुस्से में भर जाता है, गुस्से में भरका लगा कहन के बुढ़िया, ए बुढ़िया ये टोकरा है के कोई तूफान है? टोकरा समझती हुई हूँ। हाँ वो गुड्डा महाराज भाई छोड़ के चला देता है। जिस समय चलने का ध्यान लगाया वो करसो दाम आई, चौधरी हो अपना असली रूप कर का दिखावा गुड्डे पीर नु। कैसे दिखावा भाई साहब? आकाश छोटी पताल पैर गज गज के दांत बनाए लिए करसोदा ने, लटूरियां खंडा ली। ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई तूफान आ जाता है जी। अब दुर्गा महाराज टेम चलने का ध्यान लगाता है। हाँ काली माई कहती है कि बेटा अरे राणे एक बारी मेरी तरफ देखकर जाइए। अब गुगा महाराज रोक कर घोड़े को काली की तरफ देखता है। कैसे देखता है भाई साहब? क्या तो गुगा महाराज कहता है और क्या वो काली माता सुनती है? आहो रे साधाना बंदे तेरी करना, 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 करना,
गुगा महाराज और वो कलसोधा दोनी के जवाब होते हैं। क्या कहते हैं कि बेटा आप अपने नाना का जाने का ध्यान लगाते हैं, बेटा मेरे को तब भी जाना है दिल्ली आले बादशाह नु वहीं सर से पटन में पहुंचा दूं, तेरे हाथों से वहीं युद्ध करवा दूं। ओ बेटा, हां माता जी ये क्या कहा है, बेटा रे तेरे हाथों से तेरे भाइयों का सर करवा दूं। कैसे करवा दूं भाई, वो बाबे गोरखनाथ के वरदान थे, वो तो बाबा गोरखनाथ के वचन थे, वो पूरे होने थे। अच्छा, अब गुगे महाराज को यकीन आ जाता है कि वाकई में ये कलसोधा माई है, ये इस कार्य को पूरे ही करके हटेगी। जय हो। जब पंख तुम्हारे सारे, अब गुगा महाराज काली माई के साथ में वापस आ जाता है महल के बीच में। गुगा महाराज युद्ध की तैयारी करते हैं, नाथ सिंह दवान वो योद्धा गुगे महाराज के साथ में तैयार हो जाता है। अष्टो कुड़िया 900 नाग, 52 वीर, 64 जल जोगनी
सुखदेव महाराज के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2200 खवाजा 3300 कुतुब सुखदेव महाराज के साथ में युद्ध करने के लिए वो भी तैयार हो जाते हैं। बाबा गोरखनाथ की शक्ति सुखदेव महाराज के साथ में युद्ध करने के लिए वो भी तैयार हो जाती है। कैसे होते हैं तैयार भाई? वो तो युद्ध फतह करना था। अब गुड्डा महाराज और नारसिंह दवान है भाई लेकर अपने घोड़े जी कड़बड़ कड़बड़ करका गुड्डी महाराज का घोड़ा कहा डूंगी डाबर के बीच में पहुंच गया। भाई देख ले युद्ध की तैयारी कैसे होती है। कैसे होती है? तैयारी के बीच में दिल्ली वाले बादशाह के पास फौज का सूबा जो था वो सबल सिंह देव का था। सबल सिंह देव के को जोश पैदा हो जाता है, कहता है महाराज सबसे पहले गुड्डे की गेंद मैं युद्ध करूंगा, ये जाओ आप युद्ध करो। अब सबल सिंह देवते का और गुड्डे महाराज का आपस में मुकाबला होता है। किस तरीके से होता है? वह Baby।
और सबर सिंह का हाँ आपस में युद्ध शुरू हो जाता है। जिस समय युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि वो तो शक्ति थी, गुगे महाराज की शक्ति थी, गुगे महाराज की शक्ति ऐसी जाग जाती है कैसे, सबल सिंह देवते को बेबस कर देता है। सबल सिंह देवता और केसरमल देवता श्याम कौर माई मैदानन भाई बौनसा सिरकी के मालिक थे। शहर स्पेदम के पास जहां सबल सिंह बाबा का दरबार है और दिल्ली के बीच में अपने सबल सिंह बाबा का बहुत ही तकड़ा एक आह्वान शक्ति दरबार है। कैसा दरबार है? और बागरे केस के बीच में राजस्थान गुगा मेरी के पास अपने केसरमल और मदानन का दरबार है। अब गुगे महाराज का और सबल सिंह का आपस में प्यार हो जाता है। कैसा प्यार हो जाता है? प्यार होने के बाद सबल सिंह कहता है, महाराज हे गुगे महाराज, मैं तो दिल्ली के बीच में चौथे हिस्से का मालिक था, चौथे पड़ावे का मालिक था। हे महाराज, मैं आपके लश्कर में रड़तो गया, आपकी फौज में रड़तो गया, परे का मेरा कुछ नाम तो होना चाहिए। अब गुगा महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? हरे सबल सिंह देवता, जाओ आप जो अगर दिल्ली के बीच में चौथे हिस्से के मालिक थे, जो मैं वचन देता हूं, वरदान देता हूं, मेरे बागर देश के बीच में मेरे दरबार में वहां भी आप चौथे हिस्से के मालिक ही रहेंगे। जय हो। अब श्याम कौर माई मैदानन बौन शास्त्र की को लेकर गुगे महाराज की फौज में रल जाते हैं। भाई कैसे रल जाते हैं? जिस समय फौज में रल जाते हैं और गुगा महाराज और नारसिंह दवान है, वो नारसिंह दवान है एक थारा धड़ी की सांग खाए का कोई का घोड़े का सवार है। अब देखो मेरे दातो, किस तरीके से नारसिंह दवा ने अपने घोड़े नु नचावा और बरछी नु फेरा। दिल्ली वाले बादशाह के साथ में बात करता है, आओ रे बोले तारो नरसिंह जोदा, आओ रे हर जांबी सनावा दी जोदा। आया मैं फल हारे जामा बीना।
हरे नरसिंह हरे जान से ओ करवा जी नरसिंह दल खत्म कर दिया, खूनों के खाल चले हैं, मुंडियों के ढेर लग जाते हैं, करगा की बाड़ा लग जाती हैं डूंगी डाबर के बीच में। चौधरी ओ बासंगनाथ के सांप वार से वार तिरका चले जाते हैं। कैसे तिरके चले जाते हैं भाई, वहां खूनों खून हो जाता, वहां तो रक्त की खाड़ा चल गई थी भाई। आज भी डूंगी डाबर ऐसी पड़ी है जैसा सुर्ख हो, ऐसा रंग है उस रेत का भी। जय हो जय हो। अरे सात कछोना दल दिल्ली वाले बादशाह ने खत्म कर दिया, कल्ला कौन वही बादशाह रह जाता है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज गुगे महाराज के सामने पहुंचता है। हे गुगे महाराज जी, मेरे पे कर्म बख्शी करो, मेरी गलती माफ करना। अब गुगे महाराज दिल्ली वाले बादशाह को पाजी बनाकर
कैसे बनाता है पाजी? भाई पाजी बना देते थे पहले, राजे को राजा नहीं मारा कराता, वो तो पाजी बना दे कराते भाई पहले। जय हो जय हो। हाँ देखिए डमरू प्रसाद देते हैं हमारे सोहनलाल जी, और ये चंग जाते हैं हमारे गुलशन कंवर, और संगीत में साथ देते हैं हमारे ये इमामराज जी। आपके सामने इतिहास दिखाने को जा रहे हैं ये बलजीत एंड पार्टी। हाँ कौन अब दिल्ली वाला बादशाह तो बाजी बनकर भाई अपने दिल्ली में पहुंच जाता है भाई, कान से बदवा के पहुंच जाता वो तो। उधर से गुगा महाराज और नरसिंह दवान उर्जन सुर्जन दो चलते हैं। आप देखो उर्जन और सुर्जन साथ में जिस समय चलते हैं, और वो सबल सिंह देवता और केसरमल देवता बौन शास्त्र की श्याम कौर माई मदानन। जाओ जाओ जाओ, श्याम कौर माई मदानन की शक्ति भाई साख साख है गुगे महाराज की तरफ। जय हो जय हो। आज भी गुगे महाराज के दरबार में केसरमल और मदानन माई की शक्ति भाई साख साख है, सबल सिंह देवता की शक्ति साख साख है। अब जिस समय चलने का ध्यान लगाते हैं, उर्जन और सुर्जन दोयो भाई कैसा दगा करते हैं भाई। सुर्जन ने रखा जे के ऊपर जोड़िया का, यानी के तीरा का जोड़ा, जोड़े भाइयों ने तीरा का जोड़ा जे के ऊपर रखा। अब देखो अपने भाई के साथ में कैसा दगा करते हैं। अरे शुकर मेरे मालक तेरी का जोड़ायो सुरजन ने हारे छोड़े हादिया दा दिया हो पीसा के तीरा का जहो सुरजन ने हाले छोड़े दिया दा दिया का हारे जामा बिना बोलावा ता पल की बार बार उस माओ के मां हाजी केड़े गए हरे घोड़े के काना।
जानी जीदा क्यों भाई रे गुस्से मां बागड़ का यो राणा हारे कायो शीश राणे ने हारे काटे दिया था हारे भाई का वो शीश राणे ने हारे काटे दिया था हारे जामा बिना बोलावा तो पलकी बार बार करमती जी राणा के शीस हारे काटे बगावा बगावा भैया के शीस हारे काटे बगावा बगावा हारे जमा बिना बोलावा ता पलकी बार बार करमा की गिराना भूखे महाराज ने जिस समय घोड़ा छेड़ा है आगे आगे घोड़ा भूखे पीर का चल देता है और पीछे पीछे घोड़ा उर्जन सुर्जन दो भाई लगा लेते हैं चौधरी जो सुर्जन ने रथ का जे के ऊपर तीरा का जोड़ा गुगे महाराज की नार के ऊपर निशाना बांध लिया कैसे बांधा निशाना जिसने निशाना बांधा है गुगे महाराज कि नार में तीर छोड़ने की कोशिश करी है नार में तो तीर नहीं निकले नीले घोड़े के कानों के बीच में तीरा का जोड़ा लेकर जाता है अब वो नीला घोड़ा जार बेजार कर कर होता है क्या कहता है नीला घोड़ा नैनो सिंह पात्र के डोरे उस पर के मोती जमीन के पर्दे के ऊपर गिर जाते हैं महाराज को गुस्सा जाता है जोश में भर जाते हैं अब वो पीर साहब म्यान से खांडा सूंघ लेते हैं घर का म्यान से बाहर खांडा हाँ सुनो ये सुना जाता है कि दोनों भाइयों के शीश काट लेता है जय हो उर्जन के और सुरजन के दोनों भाइयों के शीश गुगे महाराज ने काट का अरमाल के बीच में बांध लेता है कैसे बांधता है अरमाल के बीच में बांध का अरमाल के बीच में घोड़े के हाने के ऊपर रख लेता है हाँ। भाई साहब एक बात और बताता हूं मैं आपको हाँ गुगे महाराज का सबसे पहले भक्त कौन हुआ है ये भी पता है आपको कौन हुआ है कुरली शहर के बीच में कुरली गांव के बीच में कौलू भगत दादा कौलू सबसे पहला भगत वो है अब हमारे भगत मलाना दसरके से राजपाल भगत वो गुगे महाराज के अजीज हैं हाँ देखिए अब गुगा महाराज सोनी भाइयों के सर काट कर माल के बीच में बांध कर
घोड़े के हानि के ऊपर रखकर घोड़े को छेड़ते हैं। अब क्या तो गुग्गा महाराज कहते हैं और किस तरीके से नीला घोड़ा सुनता है। चलते चलते समा गुग्गा महाराज जी अपने महलों का ध्यान लगा लेते हैं। कैसे लाते हैं महलों का ध्यान? उसे कौन माता वासल ने महल के जिंदे ताले लगाए हुए थे। वो कारण कौन सा था भाई, ये भी पता है कौन सा कारण था? हाँ जी, कौन सा कारण था? कौन सा कारण था? माता वासल को ये मालूम था भी अवाके ने मेरा गुग्गा जहारवीर सात पशुना दल को वो खत्म करकर अवश्य से आएंगे, परे का नहीं, परंतु ऐसा हो सकता है वो दिल्ली आला बादशाह मेरे गुग्गे महाराज को मारकर इस महलों के सपना बिगाड़ दे। इसी वजह से माता बाचल ने जंदे और ताले लगाए हुए थे। जय हो। अब डौडी के पास गुग्गा महाराज जी पहुंच जाते हैं। गुग्गा महाराज जी डौडी के सामने घोड़े को रोक लेता है। भाई भाई क्या देखता है भगवान है मेरे बोलदे प्राणी, मेरी मां ने क्या यहां इस महल के जंदे और ताले लगा दिए? अब पीर साहब अपनी मां को आज लगाता है। क्या कहता है पीर साहब? क्या तो गुग्गा महाराज कहता है और क्या वो माता वासल सुनती है भाई? पर आहो जी सुकर मेरे ओ नारने तेरे 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 मैं बालेदार पानी की प्यास लगी हुई है, क्योंकि देखिए
मैं इतिहास के विषय में आपको सुनाता हूं। जैसे कि हमारे विश्वनाथ वालिया साहब इतिहास के विषय में चलते रहेंगे और चल रहे हैं, इसी तरीके से मैं गुगे महाराज के इतिहास के बारे में आपको कथा का उपदेश देता ही चला जाऊंगा। चले गुगे महाराज की आवाज को सुनकर डौटी के पास आ जाती है। क्या कहती है बाचले? क्या कहती है कि बेटा, जो अगर आप दल से जीत कर आगे मेरी दल की कोई इंसानी दिखाइएगा। हाँ सजनों, ये बलजीत मास्टर एंड पार्टी आपके सामने बिजौली वाले बलजीत गुगे महाराज की इतिहास को दिखाने को जा रहे हैं। और क्या तो माता बासिल कहती है और क्या बुद्धा महाराज सुनता है भाई पर, अरे क्यों निरटदार है राम निरय बंदी प्यारे चल महारे क्या कहा बेटा मेरी बात सुन तेरे बारी नी जय माता।